अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। तमाम बेऔलाद मोमिन की औलाद मदीना जो साहब औलाद इमाम औलाद की हिफाजत के लिए अपने अपनी गाँव की मोहब्बत के लिए मिलकर बुलंद कर सलावत। कोरोना के खात्मे के लिए इन बारिशों और मौसम के ज़िक्र मसाइल से जितने मुमकिन परेशान उन सबकी परेशानी की दूरी के लिए आज़ादारी की बका के लिए मिलकर बुलंद कर सलावत। न उनके पास बुद्ध थे न बुद्ध खालिद थे। जनाबे अबू तालिब के वालिद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब वो अपने दौर में अपने कबीले के सरदार थे। सरदार होने का मतलब ये नहीं था कि फकत वो लोगों के फैसले करते थे, नहीं, बल्कि जितने लोग भी खाने काबा के पास आते थे उन्हें पानी पिलाना, उन्हें रिहाइश का इंतजाम करना, सब कुछ उसका जिम्मा होता था जो सैयदुल फतहा था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बाद जनाबे अबू तालिब बने। ये जनाबे अबू तालिब जो हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि खाने काबा की जो तामीर की है इनके जब इब्राहिम ने की है, अब इनकी खिदमत करना औलाद पर फर्ज। सबसे बड़ी नजासत है। जनाब अबू तालिब जिनके सुलभ में अमीरुल मोमिनीन के अलावा अमीरुल मोमिनीन समेत 12 के 12 आइमा का नूर उनके सुलभ में था, शिर्क ने उसे छुआ भी नहीं था। अज़न मोहतरम, यहाँ तो जनाब अबू तालिब की फज़ीलत समझ में आती है कि जनाब एक इमाम या एक नबी भी अगर किसी सुलभ में हो तो उसे शिर्क नहीं छूता। तो जनाब अबू तालिब के सुलभ अतहर में एक नहीं 12 आइमा थे, एक भी नबी या इमाम हो तो सुलभ में शिर्क नहीं आता, पूरी की पूरी नस्ल पाक रहती है। क्यों? क्योंकि कभी भी तौहीद की तबलीग करने वाला किसी मुशरिक का बेटा नहीं है। अब इसी में जनाब ज़हरा की फज़ीलत क्या, जितने भी आइमा की आप ज़ियारत पढ़ेंगे क्या कहेंगे, यानी आप थे, आपका नूर रखा गया था कहां पर, तौरे की जगह पाकीज़ा सुलबों पाकीज़ा और हम। लेकिन जनाब ज़हरा की ज़ियारत में जब आएंगे मुझे नहीं कहेंगे। जनाब ज़हरा इतनी पाकीज़ा है, इतनी इस्मत है कि अल्लाह ने सैयदा के नूर को न किसी नबी, न किसी मुरसल, न किसी वली के सुलभ में नहीं रखा, बल्कि नूर फातिमा को मेराज पर रसूल को बुलाकर डायरेक्ट सेफ के जरिए सुल्फ मोहम्मद में मुंतकिल। इस्मत, तहारत कि उस दर्जे पर फाइज है कि मरियम का नूर तमाम अजदाद के सुलूक से, हाजरा तमाम अरहम से होती है, जनाब खदीजा तमाम अरहम से होती है, लेकिन फातिमा ज़हरा का नूर खुदा को गवारा नहीं कि किसी भी सुलभ में रखा जाए। हत्ता मुहम्मद मुस्तफा के नूर को तमाम अम्बिया के सुलभ में रखा गया, तभी तो आदम को सदा पता कि नूर है। लेकिन फातिमा ज़हरा इस्मत के उस दर्जे पर फाइज है कि उनके नूर अतहर को किसी भी सुलभ में नहीं रखा गया। इसी को कहा जाता है खसाइस। एक होता है फजाइल, एक होता है खसाइस। अल्लाह सब कुछ नहीं करता है। फजाइल किसे कहा जाता है? एक अच्छी सिफत जो सब में पाई जाए, जैसे सब नबी, हमारे नबी भी नबी। लेकिन खसाइस क्या होता है? जो सिर्फ उसमें पाया जाए। जनाब ज़हरा की ये वो खुसूसियत है कि उनके नूर को किसी और के सुलभ में नहीं रखा जाए, ये सिर्फ ज़हरा की वो खसाइस जो सिर्फ इमाम हुसैन के, मसलन उनकी कब्र की मिट्टी में खुदा ने शिफा को उनकी कब्र की मिट्टी में बदला लगाए, जिसकी कब्र की मिट्टी में शिफा हो, उनके खुद इसम और जात में आता। ऐसे बहुत सारे खसाइस इमाम हुसैन के। खसाइस जब इमाम की एक किताब छपी खसाइस हुसैन में, तो एक सुनी आलिम कैंसिल की खसाइस हुसैन के थोड़ी हो लोगों के भी, तो किसी के तो लिख दो, किसी के तो कोई नंबर नहीं आता। हमारे चौथे शरीफा है मौलानी, उनके लिख देते तो देखते का लुत्फ आएगा। क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ खसाइस अली, जिसमें सिर्फ अली के खसाइस होगी, फकत हुसैन के थोड़ी अली के। अच्छा, बात सुनेगा, लेकिन यानी यकीन कीजिए, आप शर्फ किया करें, आप फख्र किया करें। हुसैन के मुकाबले में अगर किसी को तलाश करके लाते हैं, वो उनके बाबा है। पूछिएगा क्या लिखा है आपने, ताकि मैं लिख रहा हूँ खसासी अली, ताकि आपको खसास का माना पता है, ताकि हाँ वो सिफत जो फकत इसमें पाई जाए किसी और में न पाई जाए, इसे खसास कहते हैं। फसाइल सब में पाई जाए, अच्छी सिफत जो सब में पाई जाए, बस ये काफी से दे, इनका भाई भी काफी से, ये फजीलत, ये खसाइस नहीं, ये खसाइस कैसे खसाइस के वालिद एक इमाम बारगाह के बानी, ये खसाइस मुमकिन कोई दूसरा ना हो, अगर कोई दूसरा होगा तो फजाइल हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि क्या लिखा है तुमने, क्योंकि मैंने सबसे पहले एक हदीस लिखी, क्या लिखा है, अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, हम अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, अतला बिन से उनका ये नहीं कि खुसूसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो मैं मिस्र में रहता हूँ, मैं कह रहा हूँ हे, और आप नजब से आए हो हे नहीं, तो देखो अली की फजीलत है, खुसूसियत वो सिर्फ इसमें पाई जाए, गैर में पाई जाए। अली की खुसूसियत यह है कि अली बतूल का शोहर, अली की खुसूसियत यह है कि अली खाने काबा में आए हैं, अली की खुसूसियत यह है कि अली बिस्तर मोहम्मद में सोए हैं, अली की खुसूसियत यह है कि वो हसन और हुसैन के बाबा हैं, अली की खुसूसियत यह है कि वो फातह खैबर और बदर और हुनैन है, अली की खुसूसियत यह है कि जब मोहम्मद को किसी सज्जे की जरूरत पड़ी सिवाय अली के कोई नजर नहीं। तालिब के बेटे जिसका बेटा है शाहरुख़ के पास ऐसा मतलब इतने फलाए अमीरुल मोमिनीन के, लेकिन उसके बावजूद भी अली एक एक जगह पर फख्र करते हैं मैं फातिमा का शागिर्द, वो इस्मत ए सकीना मालिक इब्न रुबैया एक अजीम नाम आशिक़ अमीरुल मोमिनीन मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन से शाह इनके इस्लाम लाने का वाक़ा कुछ यूं है। नबी तशरीफ फरमा थे, सहाबा बैठे थे, या रसूल हाथ बढ़ाया मैं आपकी बैत देते हैं। नबी ने पहला सवाल ये किया इतने सारे अफराद में तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं रसूल अगर पहचाना न होगा तो कलमा क्यों पढ़ा? नबी ने हाथ बढ़ाया बैत की, बैत करने के बाद आने लगे या रसूलुल्लाह जल्दी दियो मैं यहाँ पर उन लोगों में से नहीं हूँ जो जब कुछ न कर सके तो इस्लाम ले इस्लाम पर उन्होंने उंगली उठाई है, जो कुछ न कर सके तो मुसलमान बन गए। तो कहा कि मुझे जाना है ताकि इसलिए कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मैं कभी एक सरबराह हूँ, मेरे माल है, मेरा घर है, मुझे कुछ तालीम दे दे चला जाओ। रसूल खुदा ने कुछ की तालीम दी, कहा तुम जाओ, हाँ तुम अपने कबीले मेरे नुमाइंदे जो बाल वहाँ से मिले इधर ले आना। उसने कहा रसूल अल्लाह ये जाने लगा। नबी ने इसको नमाज की तालीम दी, जंग की तालीम दी। नबी पाक ने तवज्जो दी, लोगों से पूछा ये जो जा रहा है इसका मकाम मरतबा तो जानते हैं। एक बंदा खड़ा हो जाता है, पता यार रसूल अल्लाह क्या इसका मुकाम है, न इसने जंग की न इसने कोड़े खाए न इसने माले गनीमत खाया, हम सब कुछ खा के बैठे न नमाज पढ़ी न रोजे रखे। नबी ने कहा इसका मुकाम ये जिसके लिए ये दुआ करे उस पर जन्नत वाजिब है। ये कहना था आगे इसको पकड़ लिया, कहा दुआ कर, क्यों? इसलिए कि नबी से हमने सुना है, बात सत्य होती है, हमने नबी से सुना है जिसके तू दुआ करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। कहता नहीं करूंगा, आपने तवज्जो नहीं की, तुझे तो अपनी फजीलत बताई नहीं थी, हमने बताई, मैं बता था हमने बताया हाँ दुआ करो ना, नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं आती जिस नबी के हाथ पर बैयत करने की वजह से मुझे ये मकाम मिला कि मैं दुआ करूँ जन्नत वाजिब हो जाएगी, तुम उसे छोड़कर मुझसे दुआ करवाना। नहीं कर पाऊंगा वापस आया या रसूलल्लाह, उसने हमारे दुआ नहीं की। ये माल आता था ऊँट पर ज़कात लेके आता था, खुम्स लेके आता था, जब वक्त गुजरा मुसलमान ने खिलाफत पे कब्जा किया। वो ऊँट तो याद था ना, इसने मारा था, कहा कि वो मार नहीं है, मार के मैं नवेरा की तरफ खालिद बिन वलीद को भेजा गया और खालिद बिन वलीद ने ज़कात के मुनकर करार देकर इसका सर कट किया। हालत सजदा में अमीरुल मोमिनीन की शहादत से तकरीबन 35 बरस पहले शहीद होने वाला ये पहला शख्स जिसे मोहब्बत में अमीरुल मोमिनीन ने शहीद किया। ऐसे मतलब ये जो दिन आप तक पहुँचा है, असादारी आप तक पहुँचे इसलिए पहुँचे, ये कर्ज है शहीदों का आप, चाहे वो मालिक इब्न रुबैया हो या आप योरगी के टोका के शहीद बेटे हैं शहीद के माँ बाप का। आज अली असगर के चूल्हे का मसला है, मैंने नजफ़ में कई बरस तक शहजादे की शहादत पढ़ता रहा, सैकड़ों उलमा होते थे, यूट्यूब पे मजलिस मौजूद है आप देख सकते थे, सैकड़ों उलमा होते थे, इंतजार होता था कि आप शहजादे अली असगर की शहादत मनाएं। इतना गर्व मुझे शहजादे को नवाजा है, आज मेरा दिल ये कि मैं उनकी टाउन में अदा खाने को सर दिल खोल के शैतान का सांस, मेरा दिल है रात थके में सोने जाऊं। इन दिनों में अगर दूध बीच बच्चे को नहीं मिले, आपको मालूम असगर की शहादत हुसैन की कामयाबी पर एक मोहर थी। जब नेज़ों में सर चढ़ते थे लोग अब्बास का सर दे के कहते थे ये लड़ सकता है, अकबर का सर दे के कहते थे लड़ सकता है, लेकिन जब असगर के सर के पास आते थे दो जुमले कहते थे, क्या एक कहते थे ये जंग नहीं कर सकता और दूसरा जुमला सुनेंगे अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों को सलामत रखे, दूसरा जुमला ये कहते थे खुदा बंदा काश इसकी माँ मर गई, खुदा बंदा इसकी माँ मर गई हो, जिसका ऐसा बच्चा इस उम्र में बाहर आ जाए। अब दिल को थामे दर्द कितना है, पहले उस दर्द को सुने फिर तजुर्बे को सुने। नबी के पास दो शख्स आते हैं, आप क्या है मैं इंतजार खत्म करता हूँ, दो आते हैं शख्स आए, एक ऊंट का मिसरा था, एक कहता या रसूलल्लाह ये ऊँट मेरा, दूसरा कहता या रसूलल्लाह ये ऊँट मेरा, दावा होती रही है या रसूलल्लाह मैं एक निशानी बताता हूँ आप कबूल करें, अगर न निकले उसको एक ऊँट के बदले में 100 ऊँट लूँगा। नबी ने कहा बताओ, उसने कहा या रसूलल्लाह इस ऊँट को नहर करवाए, इसकी खाद उतरा, इसका जिगर जला हुआ होगा, इसका जिगर जला होगा, अगर जला हुआ जिगर निकले मेरा है हो गया गोश्त गरीबों में तकसीम करते, अगर जिगर जलावा न हो तो इसका है मैं इसको एक के बदले 100 दूंगा। नबी ने इसकी बात को कबूल किया। रोने वालों अजादारों सैयदों ऊँट को नहर करवाया गया, ऊँट की खाल को उतारा गया, जब देखा गया तो उसका जिगर जला हुआ। नबी कहते शख्स मेरे पास कौन सा इल्म है जिस मुझे पता चल गया था इसका जिगर जला हुआ होगा। कहता या रसूलल्लाह मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मेरे तजर्बे से साबित है मैं कसाई हूँ, मैंने जब भी किसी ऊँट के सामने उसके बच्चे को ज़िबह किया या हुसैन, उसके बाद उस ऊँट को ज़िबह किया है, उसका जिगर जल जाता है। या रसूल अल्लाह मैंने उस ऊँट के सामने इसके बच्चे को ज़िबह किया, मुझे यकीन इसका जिगर जला हुआ निकलेगा। मैं आपसे आप लोगों से माफी मांगकर जुमला कहूँ, जब ऊँट के सामने उसका बच्चा सेवा हो उसका जिगर जल जाता है, जब हुसैन के सामने नहीं हाथों पर रोने वाले आशिक का दिल जला। शबीर ने कभी अकबर का जनाजा उठाया, कभी अब्बास का जनाजा उठाया, ऐसा शबीर जनाजे उठा रहे थे ना, इतने बहादुर थे बतूल के बेटे। इस जुमले को याद रखिएगा, लोगों को यकीन था ये सब कुछ कर सकते हैं। आए जब अकबर का जनाजा उठा चुके हुसैन, अब्बास ने कब्र तोड़ दी, अकबर की वजह से नजर चली गई, कासिम सदमा दे गए, हुसैन तन तनहा है, खेमे में अंदर नहीं आ पा रहे। क्यों? जब खेमे में आते हैं ना अकबर का वाताम लेला कर रही है, कासिम का वाताम में फरवा कर रही है, किस मुँह से आए हुसैन चल रहे हैं खेमे से बाहर, इतने रोने की आवाज करे शोर के साथ, ताकि हुसैन असल प्यास से तड़प रहा है। अजादार वाला तलाक को सलामत रखे। जब भी किसी माँ का बच्चा प्यासा होता है माँ क्या करती है मालूम है आपको? माँ एक ही काम करती है, बच्चे को लिटाती है, एक एक घर जाती है, कहते शायद कहीं से पानी मिल जाए। जब असगर प्यासा था तो बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, मेरी शादत खत्म नहीं हुआ। जब असगर प्यासा था तो मेरे बाप क्या करती थी, कभी अब्बास के खेमे में कहती थी पानी है, कभी मेरे बाप जाकर में लेला के खेमे में कहती थी पानी है, कभी जनाब कासिम के पास कहती थी पानी है। रोने वाला जब माँ को पानी की उम्मीद खत्म हो जाती है, माँ क्या करती है मालूम है आपको? माँ बच्चे को सीने से लगाती है, चलना शुरू करती है, ताकि शायद सो जाए। अगर बच्चा नहीं सोता ना माँ क्या करती है बिस्तर पे जाती है, अपने हाथ पे बच्चे को लिटाती है, कहती है पानी की उम्मीद तो खत्म हो गई, शायद सो जाए। लेकिन अगर बच्चा उस वक्त भी होता। फिर एक काम करती है क्या, बच्चे को सीने से लगाती है, चलती है, जैसे बच्चा रोता है वैसे माँ रोती है। जनाब अली नंदन साहब कहते हैं अली असगर की कैफियत ये थी के सीने से लगा के रबाब चल रही थी, असगर के रोने की सिस्कियों की आवाज आती थी, रबाब कहती थी बेटा माँ गरीब हो गई है। हजारों बाप बर्दाश्त कर जाता है, माँ बर्दाश्त नहीं करती। जब रबाब रो रही थी ना, साथ में सकीना कहती थी मेरे भाई मेरा चचा बीमार हो गया, अब्बा नहीं कौन लाएगा। जब सकीना रोती थी साथ में ये तो एक असगर है, अगर लाखों होते में आप पे कुर्बान कर देती। असगर को सीने से लगाया, हुसैन आए अशकिया की फौज से मुखातिब होकर कहते हैं मुझे पानी दो, मेरा बच्चा प्यासा है। अजादारों सैयद बैठे हैं, मैं तो कोई जोर की बात कहता हूँ, किसी भी शरीफ के लिए सबसे मुश्किल काम यह होता है किसी जलील से कोई सवाल करें। किसी भी शरीफ के लिए अपने का मजाक करना सीना फिट हो गए। किसी भी शरीफ के लिए मुश्किल काम क्या होता है, किसी शरीफ से सवाल करे। रोने वालों, जिसकी माँ का हक महल 5 दरिया है, वो अकबर के आदि से पानी। अकबर के आदि से पानी मांग रहा था, असगर ने सवाल आप किया था बेटा पानी मांगो। असगर ने सवाल आप किया, सवाल आप होना था। यजीदी फौज में थपथपा आया, लोग रोने लगे, कहते हमने नबी की हदीस सुनी है जानवरों के बच्चों पे भी रहम करो, काफिरों के बच्चों पे भी रहम करो। ये तो फातिमा का पोता है, दे दो पानी। उमर साहब ने कहा हुला जवाब दे। अजादारों, पानी का जवाब तो मुश्किल था, बल्कि दे देते क्या हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक तीर चलाया जो शेषा का तीर था, तीर चला पर्ची को खेचना आसान था, असगर के गले से तीर को निकालना मुश्किल था। कांपते हुए हाथों से शबीर में बेटे के गले से तीर को, एक रिवायत अगले बरस वही रोएगा जो जिएगा, अगले बरस वही रोएगा जो जिएगा। अगर तीर लग गया बच्चा सिवा हो गया। आखिरी बार सुने, अब खलीक नामी एक मलूम है, उससे मुख्तार के सामने पकड़ कर झूले करोगे, इंतजार कर रुके। मातम असगर अबू खलीक को पकड़ के लाए, का मुख्तार कहता अबू खलीक तू आशूर के दिन था? कहता मैं था। कहता कभी तुझे मेरे मौला पे रहम आया? मैंने सैकड़ों मरतबा ये मसाइल अली असगर के मकाम पे पढ़ा है, यहाँ पे पढ़कर दुआ दे रहा हूँ मौला तुम्हें असगर के मकाम की ज़ियारत नसीब करे। रोने वाला जुमला सुने, मैंने हुसैन को देखा, अकबर के जनाजे में देखा, अब्बास के जनाजे में देखा, मुझे हुसैन पे रहम नहीं आया, लेकिन एक मौका ऐसा था मुझे तेरे मौला पे बड़ा रहम आया। कब? जब बच्चा ज़िबह हो गया, सीने से लगाया, आगे बढ़े, शाम असगर की माँ नजर आए। ये कहता है मुख्तार तू सच कहता है, दोनों बातें दुरुस्त हैं। कहीं दोनों बातें कैसे दुरुस्त हैं?